अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सज्जाद महमूद ग्रीन हाउस से। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको फैक्स की मुख्तलिफ शेप के बारे में बताया था, जैसे कि स्पैरल, कॉन, फुटबॉल, बॉन्साई। आज हम आपको बताएंगे कि फैक्स की ग्रिल कैसे बनती है। आइए और इसी के साथ आपको बताते हैं कि फैक्स की ग्रिल कैसे बनेगी और इसमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमने एक पोट लेना है, हमने देखना है कि पोट का साइज़ क्या है और इसमें कितने पौधे लग सकते हैं। ठीक है, अगर साइज़ बड़ा होगा उसकी उसमें पौधों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। अगर ये मेरे पास है 12 इंच का साइज़, इसमें 10 पौधे लगेंगे। और पौधे कौन से लेने हैं, हमने एक साइज़ के पौधे लेने हैं। ये मेरे पास पौधे पड़े हुए हैं, ये देखें, मैंने एक साइज़ के पौधे लिए हुए हैं और ये बिल्कुल साफ़ कर देने हैं। इनकी जो ब्रांचेज होती हैं, ये देखें, ये जो इनकी जो नीचे ये ब्रांचेज हैं, ये बिल्कुल साफ़ कर देना, ये ऊपर तक साफ़ कर दें और ऊपर वाला जो हेड है वो इसी तरह रहने दें। और इसके बाद हमें ये रिंग चाहिए, ये देखें, ये भी गमले के साइज़ के लिहाज से रिंग लगेगा। अब मेरे पास है 12 इंच का गमला और इसमें हम रिंग लगाएंगे 5 इंच का। और इसके बाद हमें चाहिए ये केबल टाई होती है, ये किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप से मिल सकती है। आइए ग्रिल बनाना स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले हमने ये मिट्टी को नरम किया, उसके बाद हमने ये हाथ के साथ ऐसे प्लेन किया और इसके बाद हम इसको गमले के अंदर लगाएंगे। प्लेन इसलिए किया कि ताकि ये बासानी जो पौधे हैं गमले के अंदर पूरे आ जाएं, जगह कोई मसला ना बने। ये फिर पौधे लगाने के बाद ऊपर से मिट्टी डालनी और अच्छी तरह इसकी कटाई कर देनी ताकि पौधे अपनी जगह पर रुक जाएं। ये कटाई करने के बाद हमने पौधे को इस तरह ऊपर से बांध के 20 दिन तक ऐसे ही रखना है ताकि कोई और पौधा ख़राब होता है तो वो चेंज हो जाए। ये देखें, हमने 20 दिन ये पौधा रखा, ये सारे पौधे फ्रेश हैं, इसमें कोई ख़राब नहीं हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं कि ग्रिल कैसे बनानी है। सबसे पहले ये देखें, ये जो ब्रांचेज है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ब्रांचेज हमने साफ़ करनी है, ये कोई ब्रांचेज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ऊपर वाला ये हेड होना चाहिए। ये ध्यान से देखते जाएं कि हमने ये ब्रांचेस कैसे ख़त्म करनी है और नीचे वाले हिस्से को नुकसान भी नहीं पहुंचना चाहिए जिससे पौधा ख़राब हो जाए। ये देखें, अब हम ये स्टिक लेंगे, ये साइडों पे लगाएंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे कि ग्रिल कैसे बनेगी। ये पूरे गमले के अंदर हम 5 टिक्के लगाएंगे, इस तरह लगाएंगे कि बराबर फासला आना चाहिए।
ये हम कड़ा डालेंगे 5 इंच का, जैसे कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो के स्टार्ट में कि 5 इंच का कड़ा हम इसमें यूज़ करेंगे। ये देखें, लीजिए आज ये स्टिकें लग गई हैं। अब हम जो केबल टाई है वो लेंगे, उसकी मदद से हम एक ऊपर लगाएंगे स्टिकों को सीधा करने के लिए, बनाएंगे ग्रिल। एक ऊपर लगाएंगे स्टिकों को सीधा करने के लिए। और एक ये कड़ा हमने नीचे लगा दिया और एक सबसे ऊपर लगाएंगे कि जो स्टिक है उनका बैलेंस हो जाए। ये देखिए हम टाई की मदद से जो कड़ा है ना उसको सेट कर रहे हैं स्टिकों के साथ ताकि ये बैलेंस हो जाए। इसको हम डोरी के साथ भी बांध सकते हैं लेकिन टाई से ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम स्टार्ट करेंगे ग्रिल बनाना। सबसे पहले हम ये दो पौधों को आपस में क्रिस क्रॉस करेंगे। ये देखें ये कड़े के साथ टाई लगा के इसको बांध देंगे। ये सब पौधों को दो दो करके हम ऐसे क्रिस क्रॉस करेंगे कड़े के साथ। ये ध्यान से देखेंगे क्रिस क्रॉस कैसे करना है। ये देखें ये जो नीचे वाला हमने क्रिस क्रॉस किया है ना ये हमने इस कड़े के साथ किया है और जो ऊपर वाला स्टेप होगा वो हमने छड़ी के साथ करना है। और जेन में ये बात रखनी है कि जो पौधा सबसे नीचे होगा मतलब ये नीचे क्रिस क्रॉस किया आएगा
ये ऊपर तक नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं आएगा। अगर ये ऊपर करेंगे तो ये जो ग्रिल है ख़राब हो जाएगी। ये देखें ग्रिल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब सिर्फ इसके जो ऊपर वाला हेड है इसको क्लोज़ करना है। हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे क्लोज़ करना है। ये ध्यान से देखें, ये हेड की जो ना इसकी भी गलाई होनी चाहिए। ये ऐसे नहीं कि इसके पत्ते जो ब्रांचेज है ऐसे बिखरी नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, इसको भी गलाई के अंदर आना चाहिए। यह ग्रिल हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो ये हमने ऊपर वाला रिंग लगाया था स्टिकों को बैलेंस करने के लिए, ये हम उतार देंगे। और इसके बाद जो लास्ट स्टेप हमने ये लगाया है इसका ग्रिल का, इसके ऊपर से ये जो स्टिक है हम ये कट कर देंगे।
ये ग्रिल हमारी कंप्लीट हो गई है और ऊपर से हम जो शेप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। फुटबॉल भी बन सकता है, कौन भी बन सकती है, जो शेप आपकी मर्जी है दे सकते हैं। ये देखें पूरी ग्रिल तैयार हो गई है, तरीका आपको बता दिया है ये पूरी ग्रिल तैयार करने का। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।